हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बनाएंगे आलू और सोयाबीन की, देख सकते हैं, ग्रेवी वाली सब्जी, जो कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। और ये बहुत ही टेस्टी बनी भी है, तो इसे बनाना बहुत ईजी है। मैंने गांव के स्टाइल में बनाया है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में डाला थोड़ा सा सरसों का ऑयल। इसमें डालेंगे सोयाबीन, मैंने सोयाबीन को पहले ही 15 मिनट पहले भिगो दिया था, तो अच्छे से फूल गया है। अभी हम इसको भून लेंगे थोड़ा सा। ये गांव में ऐसे मेरी मम्मी बनाती थी, तो मेरी मम्मी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है। मुझे शादी के बाद तो मुझे बहुत याद भी आती है इस सब्ज़ी की, तो आज मैंने मम्मी के स्टाइल में सब्ज़ी बनाई है। बहुत ही टेस्टी हुई थी, सारे लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया हुई है, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैंने सोयाबीन को अच्छे से, देख सकते हैं, भून लिया। अभी निकाल लेंगे हम इसे। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और रोज़ रोज़ भूरी सी सब्ज़ी खा के हम उब जाते हैं, तो कुछ अलग, ये बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसी कढ़ाई में हम सरसों का ऑयल डालेंगे और उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 2-4 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, मतलब बड़ी इलायची और इन चीज़ों को डाल के उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, ज़्यादा प्याज का यूज नहीं किया। एक बड़ा प्याज को हम अच्छे से पतले पतले स्लाइस में काट लिए थे। इसे हम थोड़ा भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज मेरे थोड़े भून गए हैं, देख सकते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी हम इसको चलाते हुए थोड़े और भून लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर को मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, और थोड़ा सा इसे भी सॉफ्ट कर लेंगे। तो इसे ढक लेते हैं थोड़ा सा, ताकि टमाटर और प्याज हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो गया है और हमारी जो सॉफ्ट टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए, तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखे थे हम, उसे ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बाकी मसाले डालेंगे, तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1/2 स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच गरम मसाला। हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमें मसाले थोड़े सूखे लगे, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेते हैं। अब इसे चलाते हुए पका लेना है हमें मसालों को, तो इसे ढक के हम पकाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक गए हैं। इस थोड़ा सा मिक्स करेंगे, सारा मिक्स हो जाएगा बहुत अच्छे से। हमारी मसाले भून गए हैं अच्छे से, देख सकते हैं, और तेल भी पूरा ऊपर आ गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे आलू, जो मैंने 3 आलू लिए थे, उसे अच्छे से धुल लिया है, उसे ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सोयाबीन, इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे सोयाबीन, तो बस यहाँ पे सोयाबीन को भी इसमें ऐड कर देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं और हमें जूस वाली सब्ज़ी चाहिए, तो हमें इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं और आपको जूस नहीं चाहिए, तो आप पानी बस थोड़ा सा ही डालें। इसमें मैंने भर के 1 गिलास पानी डाल दिया है। और अब इसे हम पकाएंगे ढक के, तो इसे अच्छे से पका लेते हैं ढक के। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो गई है, तो
अभी हम इसे फिर से चला लेंगे थोड़ा बीच बीच में, फिर ढक के इसे पका लेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी अब हो गई है, तो इसे दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी सब्ज़ी, और हमें जैसे ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी है, क्योंकि हमें जूस वाली सब्ज़ी। उसके बाद अभी हम आपको एक आलू लेके दिखाते हैं कि मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी से पूरे गल गई है। तो ये देखिए मैं इसे चम्मच की मदद से दबाऊंगी, तो ये आलू हमारी हो गई है, हमारी सब्ज़ी हो गई है। तो गैस को कर देंगे ऑफ, और ये देखिए हमारी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है कलर, और ये खाने में उतना ही टेस्टी है। ताकि इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।